जी गुड डे, गुड मॉर्निंग एवरीवन. माय नेम इज सोमेश्वर. आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन बिहाफ ऑफ हार्ट अप ऑर्गेनाइजेशन टू योग वशिष्ठ मॉर्निंग सेशन. नमस्ते, मैं सोमेश्वर आप सभी का हार्ट अप लिंक संस्था की तरफ से योग वशिष्ठ के सुबह के सत्र में स्वागत करता हूँ. टुडे वी आर ऑन 144th सेशन. आज हम लोग 144वें सत्र में यहाँ पे पहुंच चुके हैं. आज का अपना विषय रहेगा अविद्या आख्यान. यहाँ पे हम लोग विपश्चित राजा करके एक राजा थे, उनकी कहानी यहाँ पे देखेंगे. और यहाँ पे ये देखेंगे कि किस तरह से यह माया का खेल जो है, यह अविद्या का खेल है, या कितना अगाध अमर्याद है, और किस तरह से हम लोग इसके ही अंदर उलझते रहते हैं. कितना भी कुछ भी कर ले, वो कुछ जानने की, वो कुछ देखने की जो इच्छा है, वह ऐसे हमें इस संसार में उलझाए रखती है कि हमें अपने पास रहने नहीं देती, अपने पास टिकने नहीं देती. तो इसी माया का खेल यदि समझ जाते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि यह सब कुछ खेल चल रहा है, यह माया का खेल है, तो फिर उसे मुक्ति पाने का जो प्रयत्न है, उस प्रयत्न के ऊपर हम लोग आ जाते हैं, फिर अल्टीमेटली उस मुक्ति और मोक्ष का अनुभव भी यहाँ पे करने लगते हैं. तो यह सब कुछ कैसे होता है, क्या होता है, यही सारे प्रश्न भी प्रभु रामचंद्र जी के ही मन में उठते हैं, और किस तरह से वशिष्ठ मुनि उसका उत्तर देते हैं, वो हम लोग आज के सत्र में यहाँ पे देखेंगे. अपने सारे जूम के पार्टिसिपेंट, अपने सारे यूट्यूब के व्यूअर्स और अपने सारे फेसबुक के व्यूअर्स, इन सभी का भी आज के इस सत्र में स्वागत है. रोज की तरह आज के सत्र की शुरुआत हम लोग 3 बार ओंकार का उच्चारण करके लेट अस ऑफर अवर प्रेयर टू द मास्टर और उस सत्र को हम लोग आगे बढ़ाएंगे. फिलहाल के लिए आप लोग आराम से बैठ जाए, पेट की हड्डी सीधी कर ले, गर्दन सीधी और शोल्डर्स रिलैक्स्ड. लेट अस ऑल क्लोज अवर आईज, अपनी आंखें बंद कर ले. The moment we close our eyes, we enter into our internal jagat. बाहर का दृश्य जैसे ही आंखें बंद करते समय लुप्त हो जाता है, फिर हम लोग अंदर की जगत को देखने लगते हैं. यह शरीर क्या है, यह सांस चल रही है, जो कुछ भी हो रहा है विदाउट एनी जजमेंट, आप बस एक साक्षी भाव से उसे देखते हैं. और जिस क्षण आप साक्षी भाव से कुछ चीज को देखना शुरू कर देते हैं, उसी क्षण आप मुक्त होते हैं. जितने भी पल, जितने भी क्षण, आप बस होते हैं, उसी क्षण आप मुक्ति और मोक्ष का अनुभव कर लेते हैं. तो अभी इसी क्षण मुक्त होने के लिए ना कुछ करने की आवश्यकता है, ना कुछ सुनने की. जो भी हो रहा है उसे होने दे. सांस चल रही है उसे चलने दे. ओम का ध्वनि आपके कंठ से निकलता है तो निकलने दे, नहीं निकलता है तो कोई बात नहीं. जो भी है पूर्ण, पूर्णता के साथ, पूर्ण में ही स्वीकार. गहरी लंबी सांस अंदर ले. ओम
यह वही अवस्था है सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करते और कुछ ना करते हुए भी सब कुछ होता है। ऐसे ही अवस्था को बाल्य रूप में कृष्ण लीला के रूप में दिखाते हैं। माखन तो उन्होंने खाया होता है लेकिन अपनी मैया से कहते हैं, सुन मैया मोरी, अरे मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो, ओ मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। इस तरह से माया का खेल रचाते हैं कि मैया को भी लगता है मेरा लल्लू। जिसने कैसे माखन खाया होगा, अपने घर में ही इतना सारा माखन भरा हुआ है, कैसे कोई जाकर बाहर से कोई माखन खाएगा। अपनी माया में अपनी ही मैया को पूरी तरह से उलझा के फिर मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि हाँ हाँ मैंने ही खाया। सुन मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो, सुन मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। एक क्षण में माखन नहीं खाते हैं, एक क्षण में माखन खाते हैं। ऐसी अगाध अमर याद स्वरूप इस अविद्या का है। ऐसे हमें अपने आप में उलझाए रखती है। और ऐसी माया का जो खेल होते हुए देखता है और मुस्कुराता है, उसी का आवाहन कर लेते हैं।
पुनः पुनः सच्चिदानंद रूपोऽहम्। ऐसे माया के संग से बार बार जो असंग में आता है, असंगो पुनः पुनः सच्चिदानंद की स्थिति में बार बार अनुभव करता है। वही ब्रह्म, वही शिव, मैं ही हूं, इसका अनुभव लेता है। वह जो हमें इसके बारे में सजग करते हैं, कहते ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ये अलग अलग नहीं, एक ही गुरु शक्ति का स्वरूप। उसी गुरु शक्ति की वंदना कर ले। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। जब जब भी जरूरत होती है धर्म को स्थापित करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए, अलग अलग रूपों से यह एक ही शक्ति अवतरित होती है। अपना सौभाग्य है आज गुरुदेव के रूप में वही शक्ति एक श्री श्री के रूप में अपने पास। जब अस्तित्व का स्रोत ही आप हो तो इसके प्रेरणा भी आपसे ही मिले, ऐसी प्रार्थना कर ले। अपने मुख से निकलने वाले हरेक शब्द, हरेक वाणी, या कोई शब्द ही नहीं, कोई वाणी ही नहीं हो, मौन की स्थिति, मौन में भी शब्द गूंजे और शब्दों में भी मौन गूंजे,
ऐसी अवस्था, ऐसे सारी क्रियाएं, ऐसी सारी घटनाएं जो घटित हो भी और नहीं भी, ऐसे सारे विचार जो है लेकिन नहीं के बराबर, बुद्धि के अंदर जागृत होने वाला विवेक तो है लेकिन कोई द्वंद्व नहीं क्रिएट करता, डिस्पाइट ऑफ बीइंग अ पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, ऐसी प्रज्ञा जो कुछ जजमेंट नहीं करते, यह मेरा यह तेरा, ऐसे द्वंद्व को ही उत्पन्न नहीं करते, ऐसी स्मृति जो होती तो है लेकिन कोई संस्कार नहीं बनाती, ऐसा अहम जो है लेकिन बस है, कोई अहंकार का वहां पे लवलेश नहीं, ऐसे सारे अस्तित्व के जाने अनजाने स्तर आप ही की प्रेरणा से प्रेरित हो, ऐसी प्रार्थना कर लो, पर वह आप और मैं अलग अलग नहीं है, इसका एहसास ही मुक्ति और मोक्ष को हमें प्राप्त कर देता है। प्राप्त भी क्या करना है, जो है उसके बारे में सजगता, वह संवित वह जानी, जस्ट दैट अवेयरनेस, तो इस स्थिति में जो कुछ भी हो वो भी आपकी प्रेरणा से हो, ऐसी प्रार्थना करें। जो मुझ में भी है, जो तुझ में भी, जो सदा सर्वदा सर्वव्याप्त है, अंदर भी है बाहर भी, तो क्यों ना सदा सर्वदा उसी के सानिध्य में होते हुए सब कुछ जो हो रहा है उसको एक साक्षी भाव से देखें। इसी एहसास के साथ, इसी को महसूस करते हुए, एक पूरी तृप्ति, एक आनंद का अनुभव के साथ धीरे धीरे अपनी प्यारी सी आंखें खोल सकते, स्लोली एंड ग्रेजुअली You may open your eyes. जय गुरुदेव। चलिए अपने सत्र को यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ाते हैं। हम लोग 122वें चैप्टर सब चैप्टर में यहाँ पे पहुंच चुके हैं। चैप्टर अपना निर्वाण प्रकरण 7वां चैप्टर है, जो योग वशिष्ठ का आखिरी उत्तरार्ध का यह चैप्टर है। इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से वशिष्ठ मुनि चिदाकाश का वर्णन सुन के उस स्थिति को, आनंद को अनुभव करते हुए कहते हैं कि जब यह व्यक्त होता है तो यह किस तरह से अपने आप को व्यक्त करता है, और किस तरह से यह स्वप्न नगरी जो विद्यमान होती है वह इतनी कैसे रियल भासमान होती है कि बिल्कुल वो बनी रहती है, ऐसे हमें लगता है। शून्य होके भी यह सारा दो दृश्य रूप है, यह अविद्या का अनुभव कैसे लेता है, वो जीव भाव कैसे उस अविद्या में, उस माया में उलझा रहता है, अटका रहता है, और किस तरह से यह चिदाकाश पूरी तरह से असीम, आदि अनादि अनंत होके स्वानुभव से ही यह जानने लायक होता है, और वही एक वैद्य होता है और वह सत्य होता है। तो ये सारी चीजें तो इतने अच्छे से समझाई, इतने अच्छे से बताया, तो बिल्कुल अंदर उतर ही गया, समझ में ही आ गया, अनुभव ही हो गया। लेकिन बोलते जीना तो पड़ता है इसी दुनिया में, जीना तो पड़ता है इसी अविद्या में, लेकिन जो पुरुष है ऐसे यह अविद्या जो उसको भासमान होती रहती है, कब तक इसका कब अंत है,
क्या इसके लिए मरना ही पड़ेगा? क्या इसके लिए शरीर छोड़ना पड़ेगा? क्या विदेह मुक्ति ही इसका एक सॉल्यूशन है? क्या है इस अविद्या का अंत, कोई करे तो कैसे करे? यह प्रश्न उसी प्रश्न के भांति है कि कोई जो अपना फिश है, मत्स्य है, और वो पानी के अंदर रह रहा है और बोल रहा है कि यार पानी के अंदर से कब मुक्त होऊंगा। तो ऐसी जो पानी है जो सदा सर्वदा सब जगह पे है, ऐसी जो माया, ऐसी अविद्या जो सदा सर्वदा सब जगह पे व्याप्त है, उसका फैलाव कितना है, कहाँ कहाँ तक है, क्या इसकी कोई मर्यादा है? ऐसे कई सारे प्रश्न जो अक्सर हमारे भी मन में आते ही है कि ये सब कुछ सुनते तो है, लगता तो है, लेकिन डेली की रोजमर्रा की जिंदगी में पाव रखते हैं तो फिर लगता है कि अरे कहाँ गया वो ज्ञान, कहाँ गई वो मन की स्थिति, कहाँ गया वो आनंद, ऐसे हमें महसूस हो रहा है। तो प्रभु रामचंद्र जी के चित्त में भी यही सारे प्रश्न यहाँ पे चल रहे हैं, कैसी दुनिया में जिए तो कैसे जिए। तो पूछते हैं उसका स्वरूप क्या है, इस अविद्या का स्वरूप क्या है, इसका तत्व क्या है, उसका विस्तार कितना है, कृपा करके मुझे यह थोड़ा डिटेल में वर्णन करके बताए। तो यहाँ पे जो वशिष्ठ मुनि उनको फिर वह अविद्या का स्वरूप वहां पे बताते हैं। तो यहाँ पे अविद्या का स्वरूप बता देते, कहते हैं कि हे रामा, जो अज्ञ पुरुष जो होते हैं इस भूतल में, जो आदि जगत रूप अविद्या का जो विद्यमान, जो बिल्कुल सत्य के भांति, रियलिटी के भांति बिल्कुल खरी खुरी यहाँ पे हमको नजर आती है, भासमान होती है, उसका जिस तरह से वो ब्रह्म है, उस ब्रह्म का कोई अंत नहीं है, वैसे इसका भी कोई आदि अनादि अंत नहीं लगता। यह तो बिल्कुल उस ब्रह्म के भांति ही अनिर्वचनीय यह माया है। और उससे रिलेटेड, उससे विषय में एक सुंदर कथा है, बड़ी चमत्कारिक यह कथा है। उस कथा को मैं तुम्हें सुनाता हूँ, उस कथा को सुन के तुम्हें थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि इसका अविद्या का स्वरूप कितना अगाध और अमर्याद है। और गुरुदेव इसके बारे में कहते हैं कि जैसे ही किसी भी क्षण आपको यह अंदर से आवाज उठ गई कि अरे यह अविद्या है, यह माया है, तो बोलते इससे निकलने का प्रयत्न छोड़ दो, बोलते फिर एंजॉय करो, मस्त रहो, जो भी करना अपना चलते रहने दो, उसको करो। क्योंकि वही है कि कोई मत्स्य, कोई फिश जो है वो बोलेगा कि मेरे को अरे इस पानी से बाहर निकालो, तो वही स्थिति है कि इस माया से मुझे बाहर निकालो, ये सबसे बड़ी और ज्यादा बड़ी माया है। तो इस माया से तुम निकल नहीं सकते, इसका कोई आदि आदि बिल्कुल यह ब्रह्म के बात ही, जितना ब्रह्म फैला हुआ है, जितना वह शिव है, वैसे ही यह माया है, यह भी उसी की शक्ति है। तो तुम इससे निकलने का प्रयत्न नहीं करो, इस अविद्या को ही ट्रांसफॉर्म कर दो विद्या में और उसको यूज करो, उस शक्ति को अपने ही आप में रहने के लिए, स्थिर रहने के लिए उसको यूज करो। जैसे वो न्यूक्लियस में वो अगाध अमर्याद शक्ति वहां पे बसी होती है, लेकिन वो न्यूक्लियस क्या करता है, वो ऐसे उसको धारण करके रखता है। जैसे ही वह गंगा वहां से यहाँ पे अवतरित हुई, तो उसका जो वेग था, उसका प्रवेग था, वो अपनी जटाओं में धारण करके जो शांत बैठा रहता है और धीरे धीरे छोड़ता है उसको, तो उस अविद्या को फिर एक विद्या के रूप में, यदि वो अविद्या के रूप में आती है तो सुनामी लेके आती है, लेकिन वह धीरे धीरे उसको छोड़ते हैं तो नदी बन के प्रवाहित करती है और अपने बाजू के आजू बाजू के सारे प्रदेश को भी सुजलाम सुफलाम करके लोगों को पीने के लिए पानी उपलब्ध करती है, खेतों खलिहानों में जाके पानी में, वहां पे जीवन को जीने के लिए जो सुंदर वातावरण, जिस प्रकृति, उसका यहाँ पे उदय करती है। ऐसी वह विद्या, उस ऐसी विद्या को यहाँ पे बना कर रखो, होने दो, उसको नष्ट करने का क्यों प्रयत्न करे, बोलते मन को नष्ट क्यों कर रहे हो, तो उसको रजस और तमस गुण से निकाल के अपने सत्व गुण में ट्रांसफॉर्म कर दो। तो बात ट्रांसफॉर्म करने की है, नष्ट करने के लिए, तो बोलते इसे ट्रांसफॉर्म कर दो, अविद्या को रहने दो, उसको विद्या के रूप में उस शक्ति को यूज करो, वो शक्ति ही तुम्हें अपनी नैया यहाँ पे पार लगाए, इट विल हेल्प यू, ऐसा नहीं तुम्हें वो रोकेगी, फिर वही शक्ति, वही प्राण शक्ति, तो यही होता है ना, एग्जैक्टली यही होता है। देखो हम कष्ट में एडवांस को सब लोग करते तो क्या कहते हैं कि भाई टिकता कहाँ पे तुम्हारा ज्ञान, जो सारा ज्ञान सुनते हैं वो टिकता कब है, तो जो प्राण शक्ति का जो उदय होता है
प्राण शक्ति जब बनी रहती है अपने आप सारा ज्ञान टिक जाता है, प्राण शक्ति लो हो जाती है कोई ज्ञान नहीं टिकता, थोड़ी थोड़ी चीजें भी सुस्तमी लगने लगती है, फिर इमोशंस का तूफान आने लगता है, दुखों का भवंडर क्रिएट होने लगता है, और जैसे ही प्राण शक्ति ऊपर उठती है, प्राण शक्ति का उदय हो जाता है, कोई बहुत से बड़े बड़े संकट भी ऐसे लगते हैं तो चके वाले। तो यही बात है, तो यही प्राण शक्ति को बनाए रखना, उसी अविद्या को विद्या में भर के ट्रांसफॉर्म करके उसको बनाए रखना, उस शक्ति को, प्राण शक्ति को अपनी जीवन में जो भी आपको कार्य करने हैं उसको करने के लिए उस प्राण शक्ति में बने रह के, तो वो साक्षी भाव से आप उसको कर पाओगे, उसके कोई इंप्रेशंस, उसके कोई कर्म नहीं बनने दोगे, और फिर वही स्थिति तो मुक्ति और मोक्ष की स्थिति है, इसके अलावा आनंद परमानंद की स्थिति और कोई नहीं है। तो इस तरह से गुरुदेव हमें इसके बारे में बताते, ज्ञान देते। चलिए देखते कि वशिष्ठ मुनि इसको किस तरह से प्रभु रामचंद्र जी को समझाते हैं, और फिर आपका भी इसमें क्या टेक अवे, आपके भी क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, आपके भी कुछ प्रश्न है तो उसको भी हम लोग देखेंगे, जानेंगे, सुनेंगे। तो कहते हे रामा, यह विशाल जो आकाश है, इसके जो एक छोटे से एक जगह पे, जैसे यहाँ पे तुम्हें यह ब्रह्मांड नजर आता है, उसी ब्रह्मांड के भांति वहां पे भी वह भू भुव स्वाहा करके भूमि अंतरिक्ष सर्वलोक, ऐसे त्रिभुवन की जो जहाँ पे थी, ऐसे इस जगत के भांति भी वहां पे ऐसा एक जगत था, जिस जगत में भी दिशा काल वगैरह वगैरह बाकी के सारे जो नियम होते उससे युक्त ऐसा एक जम्बूद्वीप नामक जो है उसका समुद्र में एक प्रदेश था, और उसका भूतल, उसका भूषण समतल सुगम सुखा वहां पे वातावरण था, हवामान था, जिस तरह से वहां पे एक वैभव संपन्न भूभाग जिसे सृष्टि की जहाँ पे उत्पत्ति वहां पे हो सके, ऐसी वहां पे वातावरण था, और वहां पे एक तत् नाम की नगरी थी, और उस तत् नाम की नगरी में वहां पे विपश्चित नाम का एक राजा वहां पे रहता था। तो बोलते वो बड़ा ही पराक्रमी, महापराक्रमी वह राजा था, उदार और विद्वान भी था, जिस तरह से एक कमलों में जो राजहंस होता है, जिस तरह से नक्षत्र के समूह में एक चंद्रमा होता है, ऐसे ही श्रेष्ठ सभासदा से युक्त अपनी राजसभा में वो बिल्कुल शोभायमान था। तो यहाँ पे जो शब्द सामर्थ्य है, यहाँ पे जो शब्दावली है, उसका जो चयन है, इतना सुंदर चयन इस ग्रंथ में यहाँ पे जो अपने ऑथर है या वशिष्ठ मुनि है उसको चयन करते हुए देखते हैं कि बिल्कुल उसको ऐसे चलचित्र के भांति अपने दृश्य के नजरों में ऐसे शब्द चलते हैं, और वही पूरा का पूरा दृश्य ही बिल्कुल अपने सामने ऐसे खड़ा हो जाता है, इस तरह से यहाँ पे इसका वर्णन किया जाता है, तो बड़ा सुंदर लगता है। तो जरूर आप भी इसको पढ़े, और पढ़ने के बाद इस वर्णन का, सुंदर वर्णन का आप भी इसको लुत्फ उठाए। तो ऐसे ही अनंत गुणों से, अनंत निरूपम सर्व प्रकार के प्रसिद्ध वह सारे गुणकर्ष का जो वर्णन इसको कवि की वाणी करते हुए थकती नहीं है, बोलते ऐसे सर्व संपन्न गुणों से वह वहां पे युक्त था, ऐसे विपश्चित राजा, उसके पास उसकी जो संपत्ति थी, उसकी जो कीर्ति थी, और उसके जो गुण थे वो सदा सर्वदा के लिए वृद्धंगति वहां पे होते हुए रहते थे, और उसकी शोभा को बढ़ाते रहते थे। लेकिन बोलते ऐसे जो व्यक्ति होते हैं संसार में, ऐसे जो धर्मात्मा होते हैं, वह फिर ऐसे चुप नहीं बैठते हैं, तो बोलते वह भी सारे जो बाकी के सारे जो धर्मात्मा थे, बाकी के सारे जो ब्रह्मनिष्ठ विद्वान थे, उनके हितों में ही, उनको सपोर्ट करने में, उनकी सेवा करने में ही यह सदा सर्वदा के लिए लीन थे, ऐसा वह बड़ा मानी, वह था सबको मान सम्मान, जो अपने पास होता है वही तो इंसान किसी और को देगा। तो बोलते जिसका वह मान होता है, जिसके अंदर वह प्रेम होता है, तो बोलते वही प्रेम वही मान सम्मान इंसान दूसरों को भी देते हुए दिखता है। तो ऐसे ही वह विपश्चित राजा थे, जो ब्रह्मनिष्ठ थोर पुरुषों को ही अपना दैवत मानकर, जो अग्नि को ही अपना दैव ये मानकर उनकी वह पूजा भी करते थे, और ऐसे सारे धर्मात्मों का वहां पे पालन पोषण भी करते थे, ऐसे बुद्धिमान बाहुबल में सर्वश्रेष्ठ ऐसी सेना भी उनके पास वहां पे सज्ज थी, और चार महासागरों के भांति चारों दिशाओं में उनके जो परकीय आक्रमण वहां पे हो, या तो उसका निवारण करने के लिए, देश के रक्षण करने के लिए जो तत्पर और समर्थ ऐसे मंत्री गण भी उनके पास वहां पे थे, और ऐसे सारे दिक चक्र के जो जो बिल्कुल इसका मध्य केंद्र के भांति, एक नाभि के मेंद्र केंद्र के भांति एक आधारभूत होके, जिस तरह से सुदर्शन चक्र अपने शत्रुओं का
अत्यंत दुर्जय और धाक में वो रखता है, कोई भी डरता है जब विष्णु के हाथ में वहां पे सुदर्शन चक्र होता है। तो इस तरह से ही उनका वह जो प्रभाव था वो सबके ऊपर वहां पे फैला हुआ था। तो बोलते ऐसे ही एक समय ऐसा जीवन में आया तो एक दक्ष और चतुर जो दूत था वो दुख एक बड़े दूर से एक प्रदेश से वहां पे आया और बोलता उनको वहां पे उन्होंने एक वृत्तांत कथन किया। बोलते हे राजन, यहाँ पे जो पूर्व सीमा जो है अपनी वहां पे बिल्कुल इस तरह के उस जहाँ पे बलाढ्य मंत्री वहां पे है, एक कुछ तो ज्वरादि किसी प्रकार के रोग में अकस्मात उनका मृत्यु हो गया है, और उसी स्थिति को भाप कर उसी स्थिति को देख कर जिस तरह से शत्रु अपने उस घात लगाए बैठता है और जैसे ही उसको मौका मिलता है आक्रमण कर देता है, तो अपने पूर्व जो सीमा है उस पूर्व सीमा पर ऐसे ही कुछ परिस्थिति वहां पे उत्पन्न हो चुकी है। वहां पे शत्रुओं ने वो घात लगा दिया है और वहां पे शत्रु हमारे ऊपर बुरी बड़े जोरों शोरों से वहां पे उसने आक्रमण कर दिया है। अपने कई सारे जो सामंत मंत्री है दुष्टों ने उनका वहां पे आक्रमण करके वहां पे उनका देहांत हो गया है, और ऐसी युद्ध जन्य स्थिति कई लोगों को वहां पे उन्होंने यम सदन को वहां पे भेज दिया है। ऐसे दूत का जो वृत्तांत कथन करके ऐसे प्रलय के समय जिस तरह से पूरा जल पूरी ब्रह्मांड को व्याप्त कर लेता है, वैसी ही परिस्थिति अपने देश में भी अपने राज्य में भी ये राजन उत्पन्न हो चुकी है। ऐसे भयंकर स्थिति में जो प्रजा है वो प्रजा भी पूरी तरह से युद्ध की वजह से भयभीत हो चुकी है, और अपने जो सारे सेनापति है जो सैनिक है वह भी इधर उधर सैरा वरा दौड़ रहे। ऐसे झंझावात व्याकुल वन में जैसे अस्ताव्यस्त जो स्थिति होती है, ऐसे आज्ञाकारक जो सेवक और जो स्त्रियक होते हैं उनका भी जो अपने जो पूरे सारे जन होते हैं उनके भी अंदर पूरी तरह से भय से वो व्याकुल अवस्था में यहाँ पे पहुंच चुके, और कई सारे जो है अपने राज्य की तरफ लौट के दौड़ के आ रहे। तो ऐसी परिस्थिति को यहाँ पे धारण करने के लिए, इसको डील करने के लिए सारे जो मंत्रीगण है वो भी परस्पर यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, और जिस तरह की परिस्थिति यहाँ पे उत्पन्न हो गई तो यहाँ पे अभी वो सामोपचार जो साम जो दाम भेद उसको ऐसे सब कुछ करने के उपाय करने का समय यहाँ पे नहीं रखा है। तो कृपया हे राजन, इन दोनों का उपाय छोड़ के आप तुरंत आप बिल्कुल अपना जो साम दाम दंड भेद उसमें जो दंड होता है उस दंड उस शिक्षा उनको देने के लिए उनके कपट को यहाँ पे निराधार करने के लिए आप सामने आओ, और उस सार्वभौम जो बल आपके पास प्राप्त है उसका प्रयोग करके बाकी सारे उपायों को छोड़ के यह शत्रु जो दुर्वर्तनी उन्मत्त म्लेच्छ धनाढ्य जो उसका है उसका जो दुख है जो उसने जो दुस्साहस यहाँ पे किया है उस दुस्साहस को यहाँ पे आप परित्यक्त कर सकते हो, आप ही हो। आप कृपया करके आप भी यू टेक अप फ्रंट, आप आओ और इस युद्ध की तैयारी में आप लग जाओ, अपने इष्ट देव की पूजा करके आप रणांगण में यहाँ पे आ जाओ। तो फिर उनकी बात सुन के जो राजा होता है सेवक की बात सुन के तत्काल युद्ध के लिए तैयार होने के लिए वो आज्ञा देते थे, और अपना स्नान करके वहां पे रणांगन में जाने के पहले अपने जो आराध्य देवत उनके अग्नि रहते उनके पास जाके उनके सामने वहां पे यज्ञ लगा के वहां पे अग्नि गृह में वहां पे प्रवेश कर लेते हैं। फिर जब वहां पे वो अग्नि के सामने बैठे रहते हैं वो यज्ञ आदरा पूर्वक उस आदरातिथ्य विधि पूर्वक वो अग्नि का वहां पे पूजन करने लगते हैं, तो क्षण भर के लिए अपनी आंखें वहां पे वो बंद कर लेते हैं। बोलते इस तरह की जो स्थिति है मैंने जिस तरह से अपना पूरा आयुष्य यहाँ पे राज ऐश्वर्य में विलास में यहाँ पे किया है, सब न्याय नीति से मैंने प्रजा को सुख दिया है उनको सुख सुरक्षित रखा है, सभी राक्षसों से मैंने इस दृढ़ श्रृंखला को धर्म अर्थ काम के नियमों से पालन किया है, इसका समन्वय करते करते जो साधुओं का समागम मैंने इस वक्त यहाँ किया है उनका सम्मान किया है, और इस सारी काल क्रमणा तो की यहाँ तक लाया है उसकी वजह से जो वृद्धपन की जो अवस्था है जो विरक्तिपन का जो भाव है वह मेरे मन में भी उत्पन्न हो चुका है, इस दुर्धर पर चक्र को यहाँ तक लाया उस युद्ध में यहाँ पे मेरा जय होगा ऐसे मुझे खात्री यहाँ पे दिखती नहीं है। इसके लिए ऐसे लड़के अपयश प्राप्त होके मरने की बजाय सदा सर्वदा मैं इस अग्निदेव को भी अपना मस्तक को आहुति के रूप में दे देता हूँ। इस तरह से जो अपना पिंड था जो पहले मैं ऐसे पूर्व दोष करके पिंड बना के अर्पण करता था अब उसकी जगह पे मेरा मस्तक ही है अर्पण करता है, ऐसे करके बोलते हैं अग्निदेव को हे अग्निदेव मैं मेरा मस्तक ही आपको अर्पण करता हूँ, उसी क्षण उसी तरह आप उससे संतुष्ट हो जाओ। उसे बोलते ऐसे ही करके वो अपना मस्तक ही अग्निदेव को अर्पण कर देते हैं। मतलब उनकी वह उसी परिस्थिति को देख के वहां के जो नारायण जो रहते हैं वो बलवान
बोलते वहां पे उससे उसी से चार देह वहां पे प्रकट हो जाते हैं, और वह चार देह बिल्कुल नारायण के भांति बलवान तेजस्वी, उनके बाहु जो होते देह बलवान तेजस्वी होते हैं, ऐसे चारों देहों को शत्रुओं को निर्विघ्न अपने जो मार सकते हैं, ऐसे चार विपश्चित राजा ही वहां पे उत्पन्न हो जाते हैं। वो अपनी तलवार लेके एक कमल कलिका के भांति शिर कमल को वो वहां पे जिस तरह से अग्निकुंड में डालते, तो ऐसी वहां पे चार देह प्राप्त चतुर्गुण चौपट जिनका फल जो अग्नि नारायण का होता है वहां पे वो फल वहां पे होता है। इस तरह से वहां पे उस विपश्चित राजा की चतुर्मूर्ति बिल्कुल उसके ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि उनके ही डुप्लीकेट ही कह सकते हैं, बिल्कुल उनके तरह ही दिखने वाले चार विपश्चित राजा वहां पे उत्पन्न हो जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में फिर वो सारे के सारे सर्वगुण संपन्न वह होते हैं, उनके पास में सारे सहस्त्रार जो शस्त्र होते हैं वो शस्त्र भी उनके पास होते हैं, और ऐसे ही वाहन के ऊपर वह हाथी घट रोड़ा रथ वगैरह सब कुछ से सारे सैन्यों से युक्त होके वो फिर वो चारों दिशाओं में ये विपश्चित राजा वहां पे लड़ाई के लिए सज्ज होके वहां पे निकल जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे बड़ा सुंदर वर्णन यहाँ पे किया है कि किस तरह से वह सारे यहाँ पे सारी साधनाओं से सारे शस्त्रों से वो विपश्चित जो राजा होते हैं वो युक्त होते हैं। तो बोलते ऐसे ही राजा जब उस रणांगन में वहां पे आ जाते हैं तो फिर उनके पास सारी जो शक्तियां होती है, ऐसे जो शत्रुओं से जो होते हैं उनके वहां पे भयंकर युद्ध छिड़ जाता है, वो सारे के सारे जो राजा होते हैं वह अपनी शक्तियों का प्रयोग करके जो शस्त्र वहां पे चलाते हैं, तो उन शस्त्रों की वजह से ही वहां पे सारी जगह पे वह अग्नि फैलता है, सारी जगह पे वो शस्त्र जाके कई सारे अलग अलग अगणित शस्त्रों का रूप वह धारण कर लेते हैं, और सारी जो शत्रुओं की जो सेना है उसके ऊपर वह टूट पड़ते हैं। कहीं कहीं पे वहां पे वो शूल बन के भूषण बन के पाषाण अग्निचक्र बन के शस्त्र से वह पूरा आकाश एक पूरा रणकंड में वहां पे परिवर्तित हो जाता है। कई सारी जगह पे हत्थी जो घोड़े हैं उनका जो चित्कार की जो है वो पुकार वहां पे देते हैं, शूर योद्धाओं का सिंह जैसे गर्जना का वहां पे ध्वनि होता है, ऐसे सारा वर्णन यहाँ पे योद्धा का वर्णन किया है। तो इसी को देख के अपना पराभव होते हुए देख के जो सारे जो शत्रु है वो सारे शत्रु वहां पे इधर उधर दौड़ने लगते हैं, वो उनका पराभव वापस बिलू चारों लोकपाल के भांति यह अपने राज्य से निकल के ऐसे जब वहां पे जाते हैं तो वहां पे जो शत्रु का जो समूह होता है जिस तरह से जो रुद्र प्रलय के वक्त आके वहां पे पूरा जो जलमय संसार हो जाता है उसको इस तरह से बिल्कुल अगस्त्य मुनि के भांति जो रुद्र उसको पूरी महासागर को निकल उसको समाप्त कर देता है, ऐसी ही स्थिति उनके जो बाण त्रिशूल भुशंडी परशु अलग अलग प्रकार के जो शस्त्र का समूह है वो पूरे अपने शत्रुओं के ऊपर उसका वहां पे होता है, और बिल्कुल एक धूलिकण के भांति जिस तरह से धूलिकण वायु में प्रवाहित होते हैं उस तरह से ही एक बांध जो है वो टूट जाता है और एक सुनामी का वहां पे आ जाता है, ऐसे ही स्थिति उस सैन्य की वहां पे हो जाती है, और स्वैरा वैरा वहां पे जिस तरह से वो विपश्चित राजा और उनका सैन्य उसके ऊपर टूट पड़ता है। तो बोलते ऐसे ही वहां पे जो फिर आजू बाजू में आए हुए अलग अलग प्रकार के जो लोग थे चेदी पारसी खैतक दार्शन पश्चिम सागर के यवन नील क्षत्रिय तंगण कून शक शात्व वंग निलिप कंटक स्थल ऐसे कई सारे देशों के जो जीवंत जो योद्धा थे वो जख्मी होकर मरणोपरांत, मैंने देखो इनकी यार उस वक्त की सोच, ये कब लिखा गया 7,000 ईयर्स पहले की बात है, उस वक्त देखो इनको कितना सारा ये चीज इसके बारे में कितना सारा ज्ञान था, कितना सुंदर तरीके से इसका वर्णन यहाँ पे किया हुआ है, इट्स रियली रियली अमेजिंग। तो ऐसी परिस्थिति में आके फिर वहां पे जब वो देखते हैं उसका पूरा फिर उनका पराभव हो जाता है, तो ऐसे करते 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 ये जो चारों विपश्चित राजा है वो जो द्वीप रहता है तो उसके बाजू बाजू में पूरा सारा समुन्द्र रहता है, तो बोले उस बीच पे वहां पे समुन्द्र किनारे के ऊपर वह सारा सारे के चारों राजा जहाँ के वहां पे पहुंच जाते हैं, उस वक्त वह युद्ध भी शांत हो चुका होता है, इनका वहां पे विजय हो चुका होता है, और ऐसे विजय के बाद जो विश्रांति लेने के लिए फिर वहीं पे थोड़ी देर के लिए वो रुक जाते हैं। तो जैसे ही वहां पे वो रुकते हैं वहां पे थोड़ा विश्राम करते हैं थोड़ी आंखें बंद करके अपनी आंखें खोलते हैं एक शांति की स्थिति को अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, तो जो सुंदर नजारा जो है
वो सुंदर नजारा, वहां के जो वृक्ष है, वहां का जो वातावरण है, वहां का जो बीच है, वहां पे जो समुन्द्र में उठती हुई जो लहरें हैं, उनको देखकर उसी में उस निसर्ग की जो सौंदर्य में वो चारों के चारों राजा वहां पे उस सौंदर्य को देखते हैं, और वहां पे ही उनको लगता ऐसा लगता है कि जो तट पे पड़े हुए जो शंख है, जो शिंपल है, वहां पे कई सारे अन्य प्रकार के मोती और जो रत्न है, जो अपने समुन्द्र अपनी सागर में जो संपत्ति को वहां पे बिखेरे हुए रखता है, तो सबको नजारे को देख के उनको भी लगता है कि अरे यहाँ पे कितना सुंदर है, जो एक समुन्द्र में जो प्रतिबिंब के भांति वहां पे सारी जो लहरें उठती है वो उसको बड़ा आकर्षित करती है उनको, और वो सोचते हैं कि यह क्षितिज में इतने विविध प्रकार का जो निसर्ग है, इतना कितना बड़ा चमत्कार यहाँ पे है, कितना मनोहर यह दृश्य यहाँ पे है, ऐसे ही तट पे उसकी ही प्रदेश की शोभा कितनी है, ऐसे उसको अनुभव करने के लिए क्यों ना कुछ देर यहीं पे रोका जाए। तो देखो वो माया का जो खेल है, वो माया का खेल यहाँ पे शुरुआत हो जाती है। तो देखो बाहर के दृश्यों में यह जो माया है उसको वहीं पे रोक लेती है, उनको उधर ही उलझाए रखती है। तो यह तो अभी शुरुआत है, देखते हैं कि इनके साथ क्या क्या होता है। तो ऐसे वो इसके लिए वो फिर वहां पे रुक जाते हैं उसी प्रदेश में, उनको फिर वहां पे टेंट वगैरह लगे सब कुछ उसकी ये करके, वहीं पे वह रण संग्राम से जो जीवित जो राजा है उनको ही वहां पर मांडलिक बना लेते हैं, उनको ही वो फिर कुछ करके अनुग्रह करके उन्हीं को कुछ अपना राज्य चलाने के लिए उनको ही कुछ जिम्मेदार है रिस्पॉन्सिबिलिटी देके उनमें से कुछ लोगों को मंत्री बना के उनको करके वह अपने जो सूर्यास्त के बाद जो होता है आराम करके अपने दिन क्रम में वहां पे लग जाते हैं। तो वहां पे कई सारी जो नदियां रहती है उनका प्रवाह आके वहां पे होता है, उस तरह से जो राजा का चित्त होता है अल्पावधि में ही वो विलक्षण घटना को देख के सोच के अरे कि क्या हो गया, ऐसे अहो क्या यह चमत्कार, ऐसे विस्मय की स्थिति में वह चले जाते हैं। जो देवादिदेव जो अग्नि नारायण की कृपा से यहाँ पे जो प्राप्त हुए जो दिव्य देह है उन देह वाहनों को देख के वहां पे जो सामने के जो दृश्य से जो सृष्टि के रम्य शोभा है यह किसका विस्तार कितना है, कितना यह फैला हुआ है, इसके प्रति देख के उनको बड़ा और भी आश्चर्य लगता है, और भी क्यूरियासिटी लगती है, कुतूहल लगता है, उनके अंदर का कुतूहल जागृत हो जाता है। तो बोलते ऐसे ही अग्नि के पास से जो त्रिभुवन में अप्रतिज्ञ उसी गति का वहां पे उनको मतलब ऐसी कई सारी शक्तियां उनके पास वहां पे सिद्धियां भी उनके पास होती है। तो बोलते जब वो जम्बू द्वीप के आजू बाजू में पूरा जो लवण नाम का एक समुद्र है उस समुद्र को देखते हैं, उसके परे एक विस्तीर्ण भूमि वहां पे होती है, उस विस्तीर्ण भूमि के बाद वहां पे इक्षु नामक एक समुद्र होता है, और इक्षु नामक समुद्र का जो पानी होता है वो मीठा पानी होता है, उसके बाद में और एक समुद्र वहां पे दिखता है, उसका पानी वहां पे स्वल्ति खारा रहता है, वह दुप्पट रहता है इसके डबल रहता है, उसके बाद में कुश द्वीप नामक एक वहां पे फिर से और एक द्वीप होता है, और उसके बाद में शोध नामक एक यहाँ पे सागर होता है। माने जिस तरह से हम लोग आज देखते हैं ना कि बोलते सात समुन्द्र पार करके नो बोलते ना सात समुद्र पार करके आ गए आपके पास, तो ये तो अभी तो अपने को टेक्नोलॉजी है एरोप्लेन वगैरह सब कुछ अवेलेबल, तो अभी तो लगता नहीं, लेकिन उस वो लेकिन सब जब उस वक्त 7,000 साल पहले देखो उन्होंने कैसे सब कुछ देखो ना कैसे सारी चीजों को कैसे जान लिया था, कैसे समुन्दर है ऐसा सब कुछ है, ऐसा सब कुछ दैट्स सो इंटरेस्टिंग वेरी इंटरेस्टिंग। तो बोलते यही सप्त सागर और सप्त भूमि प्रदेश, जैसे अपने यहाँ पे कॉन्टिनेंट है तो अलग अलग कॉन्टिनेंट है, उस तरह से ही यहाँ पे सप्त भूमि और सप्त समुद्र को वहां पे सप्त सागरों को यह भूमंडल व्याप्त है, इसके आगे भी क्या होगा देखो माया माया का खेल देखो, सात समुन्द्र सात इसके तो उसका अनुभूति होने लगी। तो बोलते इसके आगे भी क्या होगा, यह सृष्टि रूपी माया है, यह कितनी बड़ी है, इसका वैचित्रता कैसे है, इसमें कोई और कुछ नावीन्य क्या है वो मुझे देखने को मिलेगा, ऐसे सब देखने की उनको जानने की जो इच्छा है उनके मन में वहां पे प्राप्त होती है। ऐसे ही वो फिर वो अपनी देव की प्रार्थना करते हैं, और सारे के सारे दाही दशो का जो है जो के अनायस उस सृष्टि को नवर्व रूप में देख सको ऐसे उसे प्रार्थना भी करते हैं। ऐसा विचार करते ही जो अग्नि नारायण वो उनका आह्वान करके चारों दिशाओं में चारों विपक्ष राजा जो है वो वर मांग लेते हैं, और पंच भूतात्मक दृश्य उन सारे पदार्थों की अंतिम मर्यादा जहां तक है वहां तक देह से संचार कर सके वहां तक जा सके, ऐसे देह के बगैर भी मन रूप में भी उन विषयों के गम्य
जो शक्य है ऐसे वहां पे उसका अनुभव ले सके, ऐसे शब्दों से जिन पदार्थों का वर्णन नहीं किया जा सकता ऐसी चीजों को भी हम अनुभव कर सके, मृत्यु के बाद भी जिस गति से उसको जाना जा सकता है देख सकता है, ऐसे योगी पुरुष के भांति उसका योग प्रभाव से वहां पे जा सके, ऐसे शरीर के सामर्थ्य हमें प्राप्त हो ऐसी वहां पे वो प्रार्थना करते हैं। तो बोलते हैं फिर उनके प्रार्थना से उनको अग्नि वह वर दे भी देते, तो इनके सृष्टि के वैचित्र को देखने के लिए जो विपश्चित है उनका फिर वहां पे वो चारों विपश्चित राजाओं का वहां पे भ्रमण शुरू हो जाए। तो कुछ कुछ अपनी स्थिति होती है ऐसी, अपनी स्थिति को हम भी रखते हैं, कभी हम फिर देखते हैं फिर पूना में है फिर चलो बोलते हैं, कभी थोड़ा गोवा देख लेते हैं, फिर चलो कभी दिल्ली जाते हैं, कभी कभी जाते हैं चलो फिर न्यूयॉर्क, कभी फिर बाहर जाके डेनवर, कभी कनाडा, फिर इस राज्य उस राज्य से उस देश से उस नदी के पास, उस नदी के पास से उस तीर्थ के पास, कभी उस तीर्थ के पास से कभी यहाँ कभी वहाँ, इस तरह की जो सारी जो अपनी स्थिति रहती है, जो अपना ट्रैवल और टूरिज्म डिपार्टमेंट फुल्ली इसी इच्छा के ऊपर जो आधारभूत होके वहां पे अपना फलता फुलता है, तो ऐसी इच्छा तो ऐसे ही देखने की सारी जो इच्छा है उस इच्छाओं का अंत कभी होता नहीं है, ऐसी इच्छाओं के जाल में माया जाल में यह विपश्चित राजा चारों के चारों ऐसी भ्रमण के ऊपर निकल पड़ते हैं। तो ऐसे ही जो अग्निरायण के कृपा प्रसाद से प्राप्त हुए जो वर जो है शक्ति है, तो भूमि जल आदि पंच महाभूतों के ऊपर जय मिलके जो सिद्ध या उनको प्राप्त हो चुकी होती है, ऐसे ही दूसरे दिन प्रातः काल वह सारे अपने मंत्री जनों को विनंती करके उनकी विनंती को ना मान के ठुकराते हुए वो फिर आगे चल के उस सारे समुद्र के आगे वाले जीवन को देखने के लिए हम लोग जाते हैं, ऐसा कह के वो निकल पड़ते हैं। तो जैसे ही वो निकल पड़ते तो बोलते वहां पे कोई नौका नहीं, कोई साधन सामग्री नहीं, ऐसे ही अकेले अकेले ही बिल्कुल अपने पैदल ही चलने लगते हैं और समुद्र की दिशा में चलने लगते हैं। तो बोलते ऐसी उनकी स्थिति होती है कि जाते हैं कब भूमि खत्म हो जाती है, कब पानी शुरू होता है उसका एहसास भी उनको नहीं होता है, बोलते भूमि के बाद जो पानी के ऊपर बोलते पानी के ऊपर भी चलने लग जाते हैं। तो बोलते ऐसी स्थिति रहती है कि बिल्कुल वायु के वेग से वो जाते हैं, रहते मनोवेग से जाते हैं, एक क्षण में 100 100 योजन वो काट लेते हैं, ऐसे करते करते फिर वो उन पूरे समुद्रों को भी लांग करके वहां पे अगले वाले प्रदेश में वहां पे वह पहुंच जाते हैं। तो बोलते ऐसे विविध आश्चर्यकारक अवस्थाओं से वह गुजरते हैं, बोलते हे रामा समुद्र और द्वीपों के भू प्रदेश में पैदल चल के संचार करते हुए विपश्चित राजा जो दृश्य रूपी दृष्टि रहते हैं उसके अविद्या के अंत तक जाने के लिए उस शोध को उनके मन में प्रवृत्त हो जाता है, और उस समुद्र के ऊपर चल के भूमि के ऊपर पुनः समुद्र में उसके तल तक जाने के लिए पर्वत वन जो है उसके ऊपर वह एक जैसा अपने संचार करने लगते हैं, उसका छेद और भेद से रहित उस सारे प्राणियों की जो पीड़ा इजा उन्हें कोई भी छू नहीं सकता, बोलते वो इस सिद्धियों को ऐसी सारी स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, तो उनका कोई नाश वापे नहीं कर सकता, कोई हिंस्त्र पशु उनके ऊपर अटैक नहीं करते, उसका कोई उनको फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे ही करते करते जो राजा जो विपश्चित राजा 4 दिशाओं में से पश्चिम दिशा की ओर गया था उसका दृश्य कांत वहां पे देखने के लिए गया, तो बोलता है मैं अमर है ऐसी अभिमान से वो युक्त हो गया, और ऐसे अभिमान से युक्त होके जब वह उस समुन्दर के ऊपर अंदर चला आया तो वहां पे विष्णु नामक मीन जिसको हम लोग देवमासा भी कहते हैं, उस देवमासा का जो कुल से उत्पन्न हुआ वैसे इसको वह क्या करता है उसको वो निगल लेता है, और फिर ऐसे ही वो झीलम नदी की और से वस नौका में करके विस्तार करते हुए अति जलद गति से वह युक्त वो जो मत्स्य रहता है वह क्षीर सागर के वहां पे जाता है, बोलते उसका वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता, लेकिन निगल तो लेता है लेकिन डाइजेस्ट नहीं कर पाता, उसकी वजह से फिर क्या होता है उस क्षीर सागर का उल्लंघन करके वहां पे उस प्रदेश में जाके वहां पे वो उसको वहां पे ओमिट कर देता है। फिर तो बोलते जो दक्षिण दिशा में जो राजा गया है वो विपश्चित राजा इशु जो रस सागर है उसके वहां पे एक यक्ष नगरी होती है, और यक्ष नगरी में प्रवेश करके वहां पे वशीकरण से वशीकरण की विद्या जिसे अवगत रहती है यक्षिणी रहती है, उस यक्षिणी के विद्या बल से उसको अधीन करके उसी को अपना प्रियकर बना के वहां पे ही वो स्थित हो जाता है, और उसके साथ में भोग विलास में अपनी जिंदगी बिताता है। जो तीसरा जो राजा होता है जो पूर्व दिशा में गया होता है वो विपश्चित राजा गंगा के जो किनारे पे उसके ही आजू बाजू का जो सुंदर जो
सुजलाम सुफलाम जो प्रदेश है उसको देखते देखते गंगा सागर के हजारों मुखे हैं उसको देखने में ही गुंग हो जाता है। और ऐसे देखते देखते एक बड़ा सा जो मगर है वो उसको खाने की इच्छा से वहां पे आने लगता है, तो उसी को उसका ही उद्धार करके वो राजा उस गंगा के प्रवाह में कैसे उसको मार डालता है। और उसी गंगा से के प्रवाह में जाते जाते कान्यकुब्ज जो नाम का एक देश है वहां पे जाके पहुंच जाता है। चलते उत्तर दिशा में जो विपश्चित राजा जाता है वो कुरु प्रदेश में जाके देवियों के सह क्रीड़ा करते समय ईश्वर की आराधना करता है। उस आराधना में लीन होके और कई सारी सिद्धियां जो अष्ट सिद्धियां हमने देखी थी वो अणिमा गरिमा सिद्धियां प्राप्त करके वहां पे सर्वत्र संचार करते करते उसको मृत्यु का भय नहीं होता है। इस तरह से वहां पे उत्तर दिशा में जाके वो अमर बन जाता है। ऐसे ही रामा दीर्घ काल तक विविध आश्चर्यकारक अवस्थाओं से यह सारे गुजरते रहते हैं। उस सृष्टि का अंत देखने के लिए विचित्र इस तरह से भ्रमण वहां पे करते रहते हैं। उसके बोलते हैं वृत्तांत को सुन के यह भूमि समुद्र अंतरिक्ष जगह पे सर्वत्र संचार करके यह विपश्चित राजा दीर्घ काल तक अनेक प्रकार की योनि से भी गुजरते। तो कभी कि इसके ऐसे विचित्र भी अनुभव का सृष्टि की वैचित्र अनुभव का इस पृथ्वी का अंत देखने का देख के भी इनका जो है वह मन रुकता नहीं है। फिर उसको छोड़ के ऐसे ही घूमते रहते हैं। पुनः बोलते जो पश्चिम दिशा में जो राजा है वो गरुड़ पक्षी को अपनी उसकी पीठ पे देखे उस समुद्र के परे चला जाता है। कुश द्वीप नामक जो द्वीप होता है वहां पे पहुंच जाता है। उसकी कांति भी उस सुवर्णमय वहां पे जो गवत रहते उसके तम वो बन जाती है। पूर्व दिशा में जो राजा होते हैं वो क्रौंच पर्वत पे रहने वाले एक राक्षस उसको खा लेता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको कोई हानि नहीं होती। उस राक्षस के पेट के अंदर उसके पेट को फाड़ के वो फिर से वहां पे सुखरूप वो राजा बाहर आ जाता है। कान्यकुब्ज देश में जो जाने वाला उत्तर दिशा में जो गया है वहां पे विपुल अलग अलग नारियल के वहां पे पेड़ होते हैं। वो प्रदेश जो होता है क्षीर सागर के तीर के ऊपर होता है। वहां पे ही सारे लोगों को इकट्ठा करके वो उत्तर देश का जो उपस्थित राजा उसी का राजा बन जाता है। और वहां पे बड़ा धर्मनिष्ठ राजा बन के अपने पूर्वरुत्त को याद करते हुए वहां पे दीर्घ काल तक उसी सुख में वहीं पे रहता है। तो ऐसे ही मेरु पर्वत के जगह पे जाके वो उत्तर दिशा में जो रहता है वो कल्प वृक्ष के बनों में अप्सराओं के साथ वहां पे 10 वर्ष वहां पे बिता देता है। दक्षिण दिशा का जो विपश्चित राजा है वो शाक नामक एक द्वीप के यक्ष में जाके उनसे ही शापों की वजह से वो कि एक एक क्षण में यक्ष बन जाता है। और उसी तरह से वहां पे उसी 100 साल के लिए उसके बाद शाप से मुक्त होके उत्तर दिशा का राजा जो है वो बड़े बड़े पर्वत बड़े बड़े लाटाओं को जलराशियों को समुद्र किनारे से देखते हुए जो वहां पे नदियां रहती है उसमें ऊपर घूमते हुए स्वर्ण भूमि में प्रवेश करता है। और वहां पे सिद्धों का उसको शाप होने की वजह से वो शिला बन जाता है। और वो शिला बन के 100 साल के बाद उन्हीं की सिद्धों की वजह से वो उससे शाप मुक्त भी हो जाता है और पूर्वी जैसा देह को भी प्राप्त कर लेता है। पुनः आनंद से वो प्रदेश में घूमने लगता। माने कोई अंत ही नहीं है। 100 100 साल तक शिला बन के कभी कुछ बन के कभी कुछ बन के सब कुछ होने के बावजूद भी अंदर का जो चित्त है अंदर की जो वासना है जो भ्रमण करने की जो इच्छा है वो इच्छाओं का अंत वहां पे होते भी नहीं दिखता है। तो बोलते जो पक्षी रहते हैं उसको वश करने की जो विद्या पश्चिम दिशा का जो राजा पक्षी है तो वो पक्षी बन जाता है। ऐसे ही श्यामल्य द्वीप में श्यामल्य वृक्ष के प्रदेश के ऊपर एक पक्षिणी के घटे में रहके उसी के साथ क्रीड़ा करने में उसके 10 साल वहां पे बीत जाते हैं। मंदार पर्वत के ऊपर जाके मंदरी नामक जो किन्नरी रहती है उसको वश में करके मंदरुतरु मंदिर में वहां पे उसके साथ दीर्घ काल तक काल क्रमणा करके ऐसे विविध अलग अलग प्रकार के विचित्र अनुभव यह विपश्चित राजा है वो सृष्टि चक्र में घूमने की उनकी इच्छा चलते ही रहती है चलते ही रहते चलते ही रहते हैं। बोलते ऐसे चैतन्य का जो अचिंत माया शक्ति का जो है उसी में यह प्रतिबिंब की सारी क्रीड़ाएं चलती रहती है। तो ये थोड़ा एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताया गया है कि ये सब कुछ होता है ये सब कुछ चलता है लेकिन ये इतना सत्य और रियल कैसे लगता है। तो यह आश्चर्यकारक वृत्तांत जो है वो सुन के प्रभु रामचंद्र यहाँ पे पूछते हैं कि ये ब्राह्मण ये जो चार विपश्चित राजा आपने कहे ये पूर्वी के जैसे देह धारण करके एक ही जीव होने के बावजूद भी एक ही स्वभाव के होने के बावजूद भी इतने सारे अलग अलग अनुभवों को
उनकी इच्छाओं को अनुभव इतने परस्पर भिन्न कैसे होते हैं, और यह होता ही कैसे? एक ही जीव अलग अलग चार रूप में पैदा होकर अलग अलग अनुभव को एक साथ कैसे भोग सकता है, यह अचंबा कैसे होता है? इस प्रश्न को प्रभु रामचंद्र जी पूछते थे, यहाँ पर उसका उत्तर यहाँ पर बताते हैं। इस पर वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि एक ही जीव जो है यह एक ही देह के साक्षी चैतन्य स्वप्न की जो अवस्था रहते हैं, ऐसी अविद्या के कारण ही नाना देह की कल्पना कर लेता है, और उस काल्पनिक देह से ही विषय मित्रत्व शत्रुत्व से उदासीन भाव उत्पन्न हो जाता है, और उस भाव के कारण नाना तरह की इच्छा करने लगता है, और वैसे ही भोग को यह प्राप्त होने लगता है, और वैसे ही भोग को प्राप्त करते करते इन सारी चीजों को यहाँ पे वह अनुभव करने लगता है। मतलब ऐसे भोग्य विषय जो ऐसे इंद्रियों का जो संयोग जहाँ पे होता है, वहां पे वह मूलतः स्वच्छ शांत जो जलाशय, उसका जो एक आईने के भांति जो होता है, जो संविद होती है, जो जानी होती है, उसके आश्रय में चलित प्रवाहित होके जो दृष्टि में दिखता है, जो सुनता है, उसी का आकार वो क्या कर लेता है, धारण कर लेता है। ऐसे स्वच्छ आईने में यदि आप देखो तो पर्वत नदी इत्यादि का विशाल आकाश भी, जिसमें प्रतिबिंब का भांति वहां पे नजर आता है, छोटी मोटी चीजें अलग अलग विरुद्ध प्रकार के स्वभाव के रंग वस्तु भी है, जैसे दिखते वही प्रकार याद है। तो मतलब जैसे आईना जो होता है, वो आईना कैसे साक्षी भाव से देखता है, उसका कोई जजमेंट नहीं रहता है, मतलब जहां पे जैसे है वो जैसी इच्छा करेगा, यह आईना क्या करेगा, उसको सिर्फ एक रिफ्लेक्ट करेगा, एक प्रतिबिंब के भांति रिफ्लेक्ट किया रिफ्लेक्ट करेगा। तो जब अपना कल का सत्र हुआ था, इसके ऊपर बड़ा सुंदर चर्चा, यदि आपको समय मिले ना तो उसको जरा सुन लेना, इतना डिटेल में चर्चा इसके ऊपर हुई थी ना, कि किस तरह से वह अपना चिदाकाश के भांति आईने के भांति वह रहता है, किस तरह से जो अपना चित्ताकाश रहता है, थोड़ा उत्पत्ति प्रकरण को याद करना पड़ेगा। चित्ताकाश रहता है, एक चित्ताकाश सोमेश्वर का चित्ताकाश, प्रीति का चित्ताकाश, शलाका जी का चित्ताकाश, जयश्री का चित्ताकाश, और इस चित्ताकाश में जो अलग अलग भावनाएं अलग अलग इच्छाएं उठती है, उसको यह सेव क्या करता है, यह चिदाकाश सिर्फ रिफ्लेक्ट करता है, जैसी कल्पना यह करता है वैसे यह जो चिदाकाश उसको सिर्फ एक आईने के भांति प्रतिबिंबित करता है, रिफ्लेक्ट करता है, तो यही है। इस चिदाकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या कल्पना कर रहे हो, वो बिल तथास्तु के रूप में वो आशीर्वाद देते रहता है, आपने कुछ कल्पना की ये बोलता है तथास्तु, आपने कुछ कल्पना की ये बोलते हैं तथास्तु, तो यही ऐसी परिस्थिति हो जाती है। तो ऐसे ही चिदाकाश के स्वरूप में एक ब्रह्मदेव अपने आप ही कल्पना कर लेता है कि मैं ब्रह्मदेव हूँ, और वो ब्रह्मदेव भी चारों मुख धारण करके बैठ जाता है, और वही उसका ब्रह्मदेव का जो चित्ताकाश होता है, उस चित्ताकाश में ही फिर वो ऐसे सारे सृष्टि की कल्पना करने लगता है, और चिदाकाश फिर उसको जस्ट रिफ्लेक्ट करता है, बिकॉज वो जस्ट एक आईने के भांति प्रतिबिंबित होता है। बोलते ऐसी सारी चीजों को सुन के यदि तुम इसके ऊपर कुछ शंका निकालोगे, बोलोगे यह सारा जगत जो है यह सचमुच में यदि सिर्फ चित्त स्वरूप है, तो यह स्वच्छ जीवत रूप में इस चित्त में अर्थात जो प्रतिबिंब होता है, वो प्रतिबिंब कैसे क्रिएट हो सकता है, ऐसे प्रश्न यहाँ पे यदि तुम पूछोगे तो शंका का उत्तर यही बोलते हैं कि एक ही द्रव्यमय जो है आईना, जो परस्पर सबके प्रतिबिंब वहां पे लगा रखता है, उसके परस्पर भिन्न दिखने वाली सारी लेकिन परमार्थता एक ही मूल वस्तु वहां पे उस चित्र रूप में होती है, ऐसे सारे पदार्थ जो परस्पर वहां पे एक दूसरे को प्रतिबिंबित करते रहते हैं, ऐसे ही चैतन्य का जो अचिंत माया रूप उपाधि है, इस प्रतिबिंब की ही यह क्रीड़ा है, ऐसे वहां पे वशिष्ठ उनको समझाते हैं। तो इस बात को समझने के लिए पूरा डिस्कशन हुआ था कि किस तरह से एक ही आईना जो है कैसे एक ही है, एक ही तत्व, एक ही द्रव्य है, एक ही द्रव्य से कैसे अलग अलग आकार और रूप को धारण कर लेता है, बिकॉज वो बोलता है ना एक ही जीव है, लेकिन एक ही जीव अलग अलग कैसे वहां पे प्रतीत होता है, और अलग अलग कैसे वहां पे अपने आप को व्यक्त कर लेता है, और अलग अलग इच्छाएं धारण कर लेता है। तो उसको समझने के लिए दो चार एग्जाम्पल हमने देखे थे कल। तो जैसे देखो कोई मिट्टी है, तो एक ही मिट्टी है, एक ही क्ले है, एक ही मिट्टी से आपने कुछ घड़ा बना दिया, एक ही मिट्टी से आपने कुछ कप बना दिया, एक ही मिट्टी से आपने कुछ और कुछ चीज खिलौना बना दिया, और उसी मिट्टी से आपने वहां पे एक मूर्ति बना ली, गणेशा की मूर्ति बनाते हुए। तो मतलब एक ही मिट्टी है देखो, लेकिन चारों अलग अलग रूप में आपके सामने वहां पे प्रतीत होगी। तो यहाँ पे एक मूर्ति है तो उसको आपने उसके अंदर चाय डाल के कप बना के उसके अंदर चाय का लोटा बना लिया, दूसरा जो लोटा था उसके अंदर पानी बना के उसके अंदर से पानी पी लिया, जो तीसरा जो था उसको गणेशा के रूप में उसको सुंदर कलर वलर देके उसी को भगवान के रूप में प्राण प्रतिष्ठा करके उसी की पूजा करने लग गए। सब कुछ में क्या है,
एक ही मिट्टी स्थित है, लेकिन देखो ना कैसे अलग अलग रूप धारण कर लिए, अलग अलग रूप धारण कर लिए, अलग अलग ही आकार में वहां पे उत्पन्न भी हो गए। तो एक को हमने गणेशा कह दिया, एक को लोटा कह दिया, एक को कप कह दिया, लेकिन अंत में क्या है तो मिट्टी है, तो क्ले। बिल्कुल यही स्थिति होती है, बोलते एक ही चैतन्य है, ऐसे एक ही चैतन्य जो कि जस्ट एक प्रतिबिंब के भांति, कभी वो गणेशा बन जाता है, कभी वो कप बन जाता है, कभी वो लोटा बन जाता है, कभी सोमेश्वर के रूप में दिखता है तो कभी गुरुदेव के रूप में, कभी वो जयश्री के रूप में दिखता है तो कभी वो प्रीति के रूप में, मतलब यही बात है और कुछ नहीं है। वो एक ही चैतन्य है, एक ही चैतन्य ऐसे अलग अलग वस्तुओं के रूप में प्रकट हो जाता है। वो चेतन जो जो जीव है, जो भोक्ता रूप में अपने आप को करता है, ऐसे प्रतिक्रिया करके वो वहां पे इस चेतना के जगत वस्तु रूप में चेतना के साथ चिदाकार तदाकार होके सारी वस्तुओं का अनुभव लेता है। मात्र जो भोग्य वस्तु है वो जीव भाव में उस बुद्धि के चेतना में प्रतिबिंबित नहीं होती है, वो तदाकार नहीं होती है, ऐसे वस्तु का अनुभव नहीं थी, भोग वहां पे संभव नहीं था। वो एक ही सब चीत, वो सिर्फ एक आईने के भांति वहां पे कुछ करती है, कुछ अनुभव नहीं करती, कुछ नहीं करती। मतलब ऐसे ही रामा, ऐसी जो माया का जो खेल है, ऐसे माया का खेल में जो विपक्षित राजा है, अलग अलग प्रकार के पदार्थों को आप देखते हैं, उनके साथ ही उनका संयोग होके उसी के साथ आध्यात्म होके उसी तद्रूप में वह वहां पे अपने आप को व्यक्त करते हैं, और उस तरह का व्यवहार मनुष्य के भांति अलग अलग स्वरूप में कर्म करते रहता है, क्वचित ही उस माया के आहार में जाता है, ऐसे अकल्पित दुखों को भोगता है, क्वचित संयम शुभ कर्म करते हुए शुभ फलों की प्राप्ति करता है, अदरवाइज तो बोलते हैं नाना प्रकार के संभ्रम में नाना प्रकार के सुख दुख का मिश्रण को ये अनुभव करता है। ऐसे सामान्य मनुष्यों की स्थिति होती है। योगी पुरुष होते हैं जो दिव्य शक्ति को एक साथ किस तरह से अनेक देह धारण करके वह एक ही साथ एक जगह एक ही वक्त अनेक जगह पे उत्पन्न होते हैं, जिस तरह से जो ईश्वर के जगत पालक विष्णु है चार ही अपने सारे चारों बाहुओं को प्रसंगानुरूप असंग्य बाहुओं को धारण कर लेते हैं और सर्व दिशा में कार्य करते हुए दिखते हैं, ऐसे ही रामा यह जो विपश्चित राजा है चारों दिशाओं में भिन्न भिन्न शरीरों को धारण कर विविध सृष्टियों का इन्होंने अनुभव किया। उस प्रश्न का भी उत्तर वशिष्ठ मुनि देते हैं, उनके मन को शांत कर देते हैं। तो यहाँ पे अपना 122 नंबर का चैप्टर, यहाँ पे स्वतंत्र अविद्या अखंड के टोटल 4 चैप्टर हैं, तो इन चैप्टर्स को फिर आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इस सत्र को आपके हवाले कर देते हैं। आपके मन में कुछ प्रश्न है तो जरूर यहाँ पे आप पूछ सकते हो, उसका निराकरण उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आपके कुछ टेक अवेज है, आपका कुछ खुद का अनुभव है तो वो भी सुनने के लिए हम लोग पूरी उत्सुकता के साथ तैयार है। अनम्यूट का ऑप्शन यहाँ पे अभी खोल दिया जाएगा, आप खुद ही अनम्यूट होके यहाँ पे अपने आप को व्यक्त कर सकते हैं। ओवर टू यू ऑल, जय हिंद। जय गुरुदेव। जय गुरु। बहुत ही सुंदर सेशन था, और जैसे इसे सुनते ना तो पूरे उसमें चले जाते ना, जैसे कुछ ऐसे वर्ड ऐसे कुछ बोलना है ऐसे कुछ सोचता नहीं है, तो फिर भी जैसे आप बोलते हो ना कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स पकड़ में आते, तो उससे पूरा दिन भर चलते रहता है मंथन की वाह ये क्या है, और कुछ उसमें डीप जानने को मन करता है। जैसे आपने बोला ना कि अविद्या को विद्या में ट्रांसफर करना है, वो भी वही एक ही पॉइंट पर ऐसे इतना फिक्स हो गया कि वाह ऐसे ना पूरा ट्रांसफर हो जाते ना फिर हम, और कितना सिंपल भी हो कि देखो ना अंधेरा है घर में तो हम सिर्फ बोलते रहेंगे कि हाँ अंधेरा है अंधेरा है, नहीं अरे लाइट जलाओ ना बटन प्रेस करना है बस, इतना ही ट्रांसफर, इतना शिफ्ट ट्रांसफर हम हो सकते, पर हम उसी में उलझे रहते कि नहीं माया है माया है माया है अविद्या है, अरे बट उसको देखो सोचो समझो और ये कर लो एक्सेप्ट हाँ है, और उसको ट्रांसफर करना है ना, और ट्रांसफर करने के लिए गुरुदेव ने कितने सारे टेक्निक्स बताए हमें ना, बहुत अच्छा लगा वो पॉइंट। और जैसे वो दृश्य में उलझना वो भी एक माया है, वो भी हम सुन रहे थे, और ये सृष्टि भी माया ही है, उसमें जब तक हम उलझे रहते ना तब तक हम सुलझते नहीं है, जब ऐसे समझ लिया ना ये माया है तो ऑटोमेटिकली हम सुलझ जाएंगे कि हाँ नहीं इतना इसमें बहने जाना है। जैसे वो राजा का भी देखा हमने कितने 4 रूप में उन्होंने क्या क्या उनमें
ऑटोमेटिकली फिर पहले अहंकार आया, फिर बाद किसी को भोग विलास की इच्छा हुई, कोई ईश्वर आराधना में गया तो वो भी ऐसे, और कोई वो राक्षस ने जैसे खा लिया तो वो वैसे ही बाहर आया ना, तो वो अमर कैसे? तो देखो ना, ऐसे देखने के नजरिए है बस, कि जो जिसमें देखता है उसमें ही उलझ जा रहा है ना, तो फिर वहां से बाहर नहीं आ सकता, बट उसका ट्रांसफर करना है बस, तो ऑटोमेटिकली ये सब हो जाता है। अच्छा लग रहा था बस। और ये सुनते सुनते ना मैं ये सोचा मैंने कि देखो ना, जैसे अपन बोलते ना कि सूर्य के किरण है वो भी ऐसे कुछ रिफ्लेक्ट होते ना, सात रंगों में रिफ्लेक्ट होते, किरण तो एक ही है, और जैसे वो इंद्रधनुष भी रहता है वो भी देखो ना कि ऐसे कभी सात रंगों में रिफ्लेक्ट होता है ना, तो वही ऐसे मैं लिंक कर रही थी कि वाह वही ऐसा ही है, रिफ्लेक्शन ही है पूरा ऐसे। बढ़िया जगदेव, बिल्कुल सुंदर ना, बिल्कुल जिस जयश्री जी ने यहाँ पे बताया अलग अलग अनुभवों से अलग अलग रूपों में यहाँ पे अपने आप को व्यक्त किया, दैट वाज वेरी गुड टेक अवेज। और भी कोई अपने आप को व्यक्त करना चाहता है, कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, या कुछ चर्चा सत्र को आगे बढ़ाए। अपने ही आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं और यू कैन एक्सप्रेस योरसेल्फ। जय गुरुदेव। दोन स्टेज अवेअरनेस आहेत, एक म्हणजे माया आहे तिला नष्ट करायला जाऊ नका, गुरुजी काल पण बोलले होते, आणि तिच्याकडे फक्त बघा की ती आपोआप म्हणजे विवेक जागा होतो आणि कळत। दुसरं असं की प्रत्येकाचं चित्ताकाश वेगळं आहे, तो जे निर्माण करतो तेच चिदाकाश त्याच्याकडे रिफ्लेक्ट करत, आणि म्हणजे आपल्याला ज्याची जशी दृष्टी त्याची तशी सृष्टी, हा हे निर्माण करण्याचं स्वातंत्र्य आहे आपल्याला, पण ते परत रिफ्लेक्ट होऊन आपल्याकडेच येणार आणि आपल्यालाच ते परत विलय त्याचा करायचा आहे। तेव्हा अतिशय अवेअर राहायला पाहिजे आपल्याला, जागरूक राहायला पाहिजे आपण काय निर्माण करतोय, कारण प्रत्येक विचार सुद्धा लगेचच फॉर्म घ्यायला सुरुवात करतो, तर ती सजगता आणि जागरूकता महत्वाची आहे। जय गुरुदेव। कितना सुंदर टेकअवे यहाँ पे निहताई ने यहाँ पे व्यक्त किया है, मैं बिल्कुल कितना है। देखो ना, यदि चॉइस यदि आपकी है, यदि आप चिदाकाश स्वरूप में आपके साक्षी भाव से बैठ रहे हो और ब्रह्मांड क्रिएट के रचयिता आप यदि हो, तो भाई क्यों मांगते हो कि इसने मुझे ये बोल दिया, उसने मुझे वो बोल दिया, उसने यहाँ से दुख हो गया, अरे क्यों मांग रहे हो ये सारी चीजें? जब सब आप जो मांग रहे हो सब फलीभूत हो रहा है, सब कुछ वो वैसे ही व्यक्त हो रहा है, तो फिर बढ़ा मांगो ना, वो वसुधैव कुटुंबक मांगो, वह अपने आप को अपने स्थिति में होने के लिए उस आत्म अनुभव को वहां पे ना, छोटा क्यों मांगते हो इतना, वो पसायदान मांगो ना, वो जग के लिए वो शांति कल्याण वो प्रेम का जो स्वरूप आप हो, मतलब उसी का अनुभव हो जाए ऐसे मांग लो ना। मतलब सामने अगर साक्षात वहां पे सामने परम ब्रह्म ही खड़ा है, विष्णु खड़े है, शिव खड़े, कुछ भी नाम पुकारो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो साक्षात तुम्हारे सामने खड़े है, तुमको अनुभूति देने के लिए साक्षात बोल रहे कि भाई तथास्तु, तो क्यों छोटी छोटी बातों को मांगो, अरे इसने क्या बोल दिया, उसने क्या बोल दिया, ऐसा कर दिया, मैं वो जगह को जाकर देखू, उसको जगह के रखू। देखो देखने में कोई बुराई नहीं है, इस जाको ये जग जो है ना, ये आपको अनुभव करने के लिए हुआ, तो उत्पन्न किया है, जाओ अनुभव करो कोई बात नहीं, बट बोलते उसमें उलझो नहीं, उसमें फंसने की आवश्यकता नहीं, रहने दो उसको जैसे वैसे रहने दो, और तुम अपने आप में स्थित होके बस उसको एक साक्षी भाव से देखो। तो मांगो तो मांगते समय भी ऐसा कुछ मांगो ना जैसे पूरा जगह का कल्याण हो जाए, वसुदेव कुटुंब आ जाए, ऐसे कुछ बड़ा मांगो, फिर वो भी ऐसे बड़ा सा ऐसा ऐसा जो है ना वो विराट स्वरूप का रूप उसको धारण करने का अनुभव भी फिर हम लोग व्यक्त कर लेते। इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टेक अवे जी, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और किसी को अपने आप को व्यक्त करना है तो जरूर अनम्यूट होके आप व्यक्त कर सकते। जय गुरुदेव। हाँ जय गुरुदेव मुकेश बोलिए।
वो जो आपने मेडिटेशन कराई ना, दैट वाज वेरी प्रोफाउंड, और बचपन से ही वो सुनते आए हैं, मैंने ही माखन खाया, आज पहली बार पता चला, कर्म में या कर्म को देख रहे हैं इसलिए वो बोल रहे हैं, पहले ऐसा लगता था वो ऐसे ही मस्ती में झूठ बोल रहे हैं. सो टुडे आई मतलब यू ओपन अनदर डायमेंशन ऑफ दैट भजन फॉर मी. थैंक यू सो मच. वो डायमेंशन आपके लिए भी पहली बार खुला और वो डायमेंशन मेरे लिए भी पहली बार खुला जिंदगी में. सुना तो कई बार था, लेकिन उसका यह रूप भी हो सकता है कि कैसे माया में ना, कैसे माया में उलझाते हैं ना, अपनी मम्मी को भी माया में उलझा देते हैं, अविद्या में माया में उलझाते हैं. तो इट वॉज अ वेरी बिग अनदर डायमेंशन. इट वॉज रियली गुड. थैंक यू सो मच फॉर दैट टेक अवे. और किसी को अपने आप को व्यक्त करना है तो जरूर आप अनम्यूट होकर बात कर सकते. Don't wait for me to call out the name. Karuna ji, aap raha dekh rahi. Karuna ji, can unmute yourself and baat kar sakte hai. Diya, awaaz aa rahi? Aa rahi, boliya. Diya, session to bahut acha. Bas iska jo main topic hai, avidya. तो उससे तो एक बात ये समझ में आती है, और जो एक कि हम कितने अज्ञानी हैं और कितने सारे उसमें फंसे हुए हैं, ये हम अज्ञान मतलब जैसे कि अभी आपने थोड़ा छोटा सा एग्जांपल दिया कि किसी ने कुछ कहा तो हम उसी उसी बात में ऐसे उलझ जाते हैं, फिर बाद में ये सोचते हैं यार फिर अब इन सब चीजों में हम पढ़े क्यों, इनको हम साइड में पटक दें, और फिर हम थोड़ा सा ईश्वर का गुरु का ध्यान कर ले तो ये चीजें तो बिल्कुल हट ही जाती है. थोड़ा सा मंत्र चैंटिंग कर लेते हैं तो वो फिर यहाँ से तो मन ही हट जाता है, फिर ना कोई भोग विलास कुछ भी नहीं रहता है. जहाँ हमने उस चीज में गए तो हमारे तो फिर बाद में हम वहीं पे अपने आप को कोसते रहते हैं कि यार ऐसा क्यों हुआ, उसने ऐसा क्यों बोला. हम अपने आप को तो ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं, फिर हम तो इतने बुरे फंसे हैं कि सामने वाले ने तो सामने वाले को भी ऐसा उसी से हटाने के लिए भी उसको थोड़ी सी साधना सेवा सत्संग के लिए हमको आगे आना पड़ेगा, तो उसको हम लेके आएंगे तभी वो विद्या में आएगा. बोलना चाहती हूँ. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. ये बड़ा सुंदर पॉइंट है कि देखो अपने आप को तो हम लोग अज्ञानी बोल सकते हैं, या तो अपने आप को हम लोग कितने ज्ञानी है और कितना अविद्या यहाँ पे भरा पड़ा हुआ है, तो कितना धूल है जमा हुआ है. तो झूल का जितना लेयर ज्यादा रहेगा उतना थोड़ा समय और ज्यादा लगेगा साफ करने के लिए, बस बात यही है. लेकिन आप तो ज्ञानी थे, आप ज्ञानी हो और ज्ञानी रहोगे. आप ज्ञान से परे हो, आप ही ज्ञान हो. तो वो जो अविद्या जो फैली हुई ना उससे नजर नहीं आता कि आप ही ज्ञानी हो. तो उस अविद्या को रहने दो, उस धूल मिट्टी को रहने दो. आप बस वो झाड़ू लगा लो ना, उस दर्शन क्रिया का झाड़ू. तो अच्छी बात करनी पड़ेगी और कोई तरीका नहीं, करना पड़ेगा. साधना के अलग अलग रूप हो सकते हैं, प्राणायाम के अलग अलग रूप हो सकते हैं, योगासना के अलग अलग आसन हो सकते, कोई बात नहीं. लगा लो करो झाड़ू लगाना पड़ेगा, यह बिल्कुल बात आवश्यक है. और ऐसा नहीं कि आज झाड़ू लगा लिया तो फिर सारी जो पहले का सारा जो धूल मिट्टी है उसको साफ कर लिया,
लेकिन कल झाड़ू लगाने की आवश्यकता नहीं रही, ये बात नहीं। असंगोहम असंगोम पुनः पुनः, वो झाड़ू रोज लगाना पड़ेगा, बिकॉज मिट्टी रोज आ रही, बिकॉज अब उसी में रह रहे हो और अविद्या का स्वरूप आपके चारों ओर फैला हुआ है, उससे परे नहीं जा सकते, उससे भागो किधर। जो मत से जो जल को छोड़ के कहाँ भागेगा भाई, जाएगा। तो सब जगह पे जल है, सब जगह पे अविद्या है आपके आजू बाजू, लेकिन झाड़ू लगाना है रोज, ताकि आपका आईना, आपका आईना साफ हो गया तो फिर बात बन गई। That was a very important takeaway, Karuna ji. साधना को छोड़ना नहीं, साधना को बनाया, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। और किसी को अपने आप को व्यक्त करना है, आपकी कुछ टेक अवेज बताने, यू आर वेलकम टू अनम्यूट यूर सेल्फ एंड बात कर सकते। मुझे बोलना था, ये सबका सुनते सुनते ऐसे लगा कि सजगता हटने पे ही दुर्घटना घटती है, जैसे हम सब पढ़ते हैं सजगता हटी दुर्घटना घटी, तो ये सबका सुनते सुनते ऐसे लग रहा था कि आज दिन भर ऐसे प्रयास करूंगी मैं कि सजगता कब कब हटती है वो उस पर ऑब्जर्व करना है, और सजगता में फिर से आने के लिए हम क्या क्या कर सकते, तो ऐसे इस पर मनन चिंतन किया ना, तो ये अभ्यास पक्का हो जाता है। वही हम दृष्टि भी हमारे बाहर नहीं जाती, फिर अंदर ही अपने में रहती कि हाँ मुझे क्या आज अचीव करना है ऐसे। तो मैं वही सोचने वाली कि सजगता कहाँ कहाँ जाती है और कैसे हम उसे फिर से आते लाते, और सजगता आते ही फिर हमें समझता है ना कि कहाँ विवेक यूज करना है क्या। और आपने एक बात भी अच्छी बोली कि जैसे तमस को रजस में ट्रांसफर करना है और रजस को सत्व में ट्रांसफर करना है, इस पे भी सोचने वाली बात है कि कैसे वो तमस आता है तो क्या है तमस, हाँ, और किसके कारण, और फिर उसको रजस में कैसे शिफ्ट करता कैसे करते कर सकते, और रजस में क्या क्या सिम्टम्स क्या दिखते हैं, और फिर उसे सत्व में ट्रांसफर करना है तो क्या क्या। तो इस पे ये स्व अभ्यास है, ये हम सब सुनते ना, तो इस पे स्व अभ्यास करके हम और अचीव कर सकते हैं, मुझे शेयर करना था। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय श्री जी। दिस इज वेयर द वेलनेस प्रोग्राम हेल्प्स यू। जो हम लोग बोलते हैं ना कि रजस तमस आता कहाँ से है, तो वही है कि आपका शरीर है, वात कफपित्त संयुक्त है, आपके दैनंदिन जो प्रक्रिया जो आप रोज करते हो, क्या खाते हो क्या पीते हो, ये सारा जो आयुर्वेद का ज्ञान है, अपने जीवन जीने की जो कला है, कला तो यही है ना, फिर तो इसी से बन सकता है, इसी से वो प्राण शक्ति को ऊपर उठाए लगते हुए, और उसके साथ साथ जो ज्ञान है, बिकॉज देखो ज्ञान ही तुम्हें तार रहा है, इसके इसका ज्ञान तुम्हें तार रहा है, उसका खाने पीने का ज्ञान तुम्हें तार रहा है, उस साधन सेवा जो है उसका ज्ञान तुम्हें तार रहा है, उस सेवा का ज्ञान तुम्हें तार रहा है, तो इन सारी चीजों के बारे में जो अवगत, जो जानी है, जो संविद है, जो अवेयरनेस है, उस अवेयरनेस में सजगता में आ जाओ, तो ये सारी चीजें फिर आप करने लगोगे, फिर वो आलस्य वगैरह जो ऑब्स्टेकल्स आते हैं ना, वो ऑब्स्टेकल नहीं आएंगे। आपने देखा ना कि कब कब वो रोकता है, कब कब मुझे उस सजगता में रहने से, तो 9 ऑब्स्टेकल्स को बता दिया है, वो बड़े ज्ञानी थे पतंजलि, उन्होंने बता दिया कि ये 9 ऑब्स्टेकल आएंगे, देखो ऑब्जर्व करो इनको, तो इसको बार बार रिमाइंड करना कि अरे दिस इज एन ऑब्स्टेकल, तो अपने ऑब्स्टेकल देखो क्या है, उनको बाधाओं के रूप में जान लोगे ना, तो फिर आप ऐसे या तो लांग के निकल जाओगे, ऐसे साइड होके निकल जाओगे, रहने दो उस बाधाओं, उसको रास्ते पे चलते तो बंपर को खोद के नहीं बिठाने का, नष्ट करने का प्रयत्न नहीं करते हम, आवश्यकता भी नहीं है, या तो लांग के चले जाते हैं या साइड से निकल लेते हैं, तो रहने दो, बाधा के रूप में जान लिया ना, तो हर बार उसको नष्ट करने का आवश्यकता नहीं होती है, लेट इट बी, समटाइम्स लेट गो, अपने आप ही रहो, उससे आप मुक्त हो जाते हो, ये भी याद रखना। इतना सुंदर। और किसी को अपने आप को व्यक्त करना है या बात करना है, यू आर वेलकम टू डू दैट। कई सारी जो जो दिख रहा है ना यहाँ पे, कई सारी चीज और भी निकल सकती है, कैसे वो एक राजा चार राजा बन गए, कैसे वो इधर उधर घूम रहे, अविद्या का तो आस्पेक्ट तो है ही, नो डाउट, बट देखो क्या रिप्रेजेंट करते हो, कैसे करते हैं, तो उसको सोच सकते कि किस तरह से अलग अलग आएंगे, जिस तरह से हम लोग व्यक्त करते हैं उस तरह से टेक अवेज निकलते, तो कीप थिंकिंग अबाउट इट। लेकिन आज के लिए सत्र को हम यहाँ पर रोक लेते हैं, ताकि पुनः एक बार कल मिल पाए। जय गुरुदेव।